अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम बनाने वाले हैं मटर पुलाव। आज ये फर्स्ट सैरी है तो मैंने जो है इसके लिए चावल बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने 10 मिनट पहले अच्छे से वॉश करके चावल भिगो कर रखे हैं। ये कच्चे बासमती चावल है और यहाँ पे जो है एक बाउल में यानी कि 200 ml ग्राम के करीब जो है मटर लिए हुए हैं। और ये 3 मीडियम साइज़ के आलू हैं, ये मैंने छोटे साइज़ में कटिंग कर लिए और पानी में अच्छे से वॉश करके भिगो रखे हैं। और यहाँ मैंने ये कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं कटिंग किए हुए। एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, एक बड़े साइज़ में प्याज बारीक चॉप्ड की हुई और 5 से 6 हरी मिर्च बीच में से कटी हुई। और ये फ्राई की हुई अनियन है, ये रेडीमेड अनियन है तो ये भी हम इसमें डालेंगे। और अगर आपके पास ना हो तो आप फ्राई कर ले सकते हैं, अवॉइड भी कर सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं। और ये मैंने लहसुन और अदरक लिया है, इसको मैं क्रश करूँगी मूसली में। और ये मसाले का बॉक्स है, इसमें सिर्फ हमें ज़ीरा और नमक लेना है। ज़ीरा हम जो है सबसे पहले तेल में ऐड करेंगे और नमक जो है सॉल्टी करने के लिए, ठीक है ना। और ये कुछ खड़े मसाले हैं, एक तेज़पात, एक बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और 4 से 5 लौंग, 4 से 5 काली मिर्च और जावित्री, ठीक है। अब ये जो मैंने ये अदरक और लहसुन लिया है, इसको मैं मूसली में बारीक क्रश करूँगी इस तरीके से। आप चाहें तो इसको पेस्ट भी बना सकते हैं, पर पेस्ट बनाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ा सा ही मसाला होता है फिर सही से पीस नहीं पाता, तो मैंने मूसली में क्रश कर लिया। तो यहाँ पे मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ चावल। सरसों के तेल में बनाएं या फिर आप रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। तो तेल गर्म होने के बाद, ज़्यादा तेज़ गर्म ना हो, हल्का गर्म होने पे हम इस पर खड़े मसाले ऐड कर देंगे, जिससे कि हमारे इसका जो है खड़े मसाले का ऑयल रिलीज हो जाए इसको चलाते हुए हल्के से। तो जैसे ये थोड़े रोस्ट से हो जाए हमारे मसाले, हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा 1 टेबल स्पून के करीब। तो ज़ीरे को भी हम लाइट ब्राउन सा कर लेंगे, अच्छे खासा फ्राई कर लेंगे इसको। और तेल यहाँ पे जो है मैंने ज़्यादा नहीं लिया ना कम लिया, मतलब चावलों में अगर हम कम तेल डालते हैं ना तो उससे भी मज़ा नहीं आता चावलों का। तो यहाँ पे ये लहसुन अदरक डाल दिए क्रश किया हुआ। कभी भी जो है ना चावल में प्याज जो है ना पीस के नहीं डालनी चाहिए, अगर हम पीस के लेते हैं ना पेस्ट टाइप तो उससे चावल जो है हमारे बंदे बंदे हो जाते हैं। मैंने ये हमेशा नोटिस किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, हमेशा कटिंग करके ही प्याज लेनी चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे वैसे तो मैंने फ्राई ओनियन भी ली है जो मेरे पास रहती है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसी वक्त जो है यहाँ पे फ्राई ओनियन भी निकाल सकते हैं और लास्ट में ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे हरी मिर्च भी डाल दी, टमाटर भी डाल दिए और मटर भी ऐड कर दिए। अब हम इसको अच्छे से चलाते हुए फ्राई कर देंगे, इस तरीके से चला दी जाए, ठीक है। आप चाहे तो मटर जैसे मैंने डाला सोयाबीन बड़ी जो होती है उनको भी ऐड कर सकते हैं। अब 10 मिनट के लिए यहाँ पर मैंने मीडियम आँच पर छोड़ दिया था मटर को, जिससे कि हमारे मटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला, 10 मिनट अभी छोड़ नहीं है, 5 मिनट और डाल, 5 मिनट ही होते, तो 5 मिनट मैंने और पानी डाल के इसको रख दिया है, जिससे कि अच्छे से हमारी मटर सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि चावल डालते हैं तो 1 या 2 सीटी लगती है, तो इसमें हमारी मटर अच्छे से गल नहीं जाती। तो ज़रूरी है मटर को हम पहले ही गला लें, आप चाहे तो 1 सीटी भी लगा सकते हैं इसको, तो या फिर आप ऐसे ही प्लेट से या किसी चीज़ से पड़ करके आप इसको गला सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू डाल दिए, आलू जल्दी से ही गल जाते हैं, तो मटर गलाने के बाद यहाँ पर मैंने आलू डाल दिए। अभी यहाँ मैंने ये आपको शो इसलिए कर दी, मैंने इस बाउल के अकॉर्डिंग चावल लिए थे, एक बाउल हमने चावल लिया था तो उसके अकॉर्डिंग हम 2 बाउल पानी ऐड करेंगे इसमें, ठीक है ना। मतलब एक बाउल चावल का तो 2 बाउल पानी लिया हमने, तो पानी हमने डाल दिए, नहीं तो हम नमक ऐड कर देंगे। नमक ध्यान से डालें, मतलब चावलों में भी हमें चाहिए होगा ना नमक, तो इस वजह से ये ना हो कि पानी में हल्का सा रहें, थोड़ा तेज़ सा रखें, जिससे कि चावलों में भी नमक का टेस्ट, नमक सही है। और यहाँ मैंने चॉप्स का चावल लिया था, वो भी मैंने इसमें 1 टेबल स्पून के करीब ऐड कर दिया। अब जो है मैं यहाँ पे इसका नमक मिर्च जो भी है यहाँ पे इसी टाइम चेक कर लूँगी, चेक करते हैं कैसा है, कम ज़्यादा होगा तो मैं यहीं पर ही डाल दूँगी, बाद में फिर ऑप्शन नहीं रहता।
तो यहाँ मुझे सौंफ जो है मैंने पेस्ट तो बनाया नहीं था, अगर आप पेस्ट बनाते हैं तो आप उसमें सौंफ डाल सकते हैं, पर मैंने पेस्ट नहीं बनाया था, क्रश करके लहसुन अदरक और हरी मिर्च कटी चाहिए, तो मैंने यहाँ जो है हाफ टेबल स्पून के लिए सौंफ भी ऐड कर दी। सौंफ जो है मटर पुलाव के कहते हैं मटर पुलाव में काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, उसका फ्लेवर काफ़ी एनहेंस होता है चावल में, तो वो इसलिए डाला मैंने। अब जब चावल में पानी में बॉईल आ जाए एक अच्छे से खटके पड़ने लगे तो यहाँ पे मैं अपने सारे चावल डाल दूँगी। हाँ चावल को भीगे हुए ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट ही हुए हैं, ज़्यादा देर नहीं भीगने चाहिए कच्चे चावल, नहीं तो वो फिर जो है ना पकते टाइम टूट जाते हैं, लास्ट में पकते पकते ना वो टूट बिखरी मतलब बिल्कुल टूट ही जाते हैं, खिला खिला चावल नहीं रहता। अगर पक्का चावल है तो उसे तो भिगोने के लिए भी 1 घंटा चाहिए ही होता है मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मैंने फ्राई ऑनियन भी मैं इसी टाइम पे ही डाल ली हूँ, क्योंकि फिर मैं कुकर बंद कर दूँगी ना, तो इससे जो है ना फ्राई ऑनियन का भी काफ़ी अच्छा सा फ्लेवर इसमें हमारे चावलों में आ जाएगा। तो यहाँ पर दो चीज़ें ही लगाई हैं, ज़्यादा नहीं, एक से दो ही आई हैं, आप अगर लगेगी एक तो एक भी लगा सकते हैं। तो ये हमारे फ्राई सॉरी चावल बनकर तैयार हैं, इसकी स्टीम वगैरह भी निकल गई है और खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही है। मैंने फ्राई अनियन भी फैला दी, कलर इस मैंने इसलिए डाली थी फ्राई अनियन से कलर भी अच्छे आ जाए, आप देख सकते हैं थोड़ा ब्राउन ब्राउन सा वो इसी वजह से आ रहा है। चावल भी आप देख सकते हैं काफ़ी खिले खिले से बने हैं चावल, तो इस तरीके से हल्के से चला दें चावलों को जिससे कि चिपके ना, जैसे गुठले से हो जाते हैं वैसे तो ये बनेंगे नहीं, पर फिर भी एक दफ़ा लास्ट में चला देना चाहिए हल्के हाथ से। ये देखिए चावल कैसे खिला खिला बना है, एक एक चावल मतलब कैसा लंबा लंबा बिखरा बिखरा चावल है, ऐसा नहीं टूटा फूटा सा हो। वैसे कुकर में जो है ना ज़्यादा चिपक जाते हैं, पर मैं आपको इसलिए ही मैंने आपको दिखाया है कि आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके चावल भी अच्छे से बनेंगे। तो यहाँ मैं जो है प्लेट में सर्व कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो यानी कि मेरी रेसिपी पसंद आई हो, मेरी वीडियो को थम्सअप दे दिया करें, लाइक कर दिया करें, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़।